हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल चॉकलेट पीनट चिक्की की रेसिपी शेयर करूंगी। यह आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसके लिए मैंने डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। ये मॉडे का डार्क चॉकलेट मैंने लिया है। आप किसी और कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 2 स्लैब लिए हैं इसके। ये तकरीबन 200 ग्राम है और मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इसे हम डबल बॉयलर मेथड के ज़रिए इसे हम पिघला लेंगे। ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है। 2-3 मिनट में ही अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसे अच्छे से चला लेंगे। इसमें कहीं कोई पीस तो नहीं रह गया छोटा सा, इसलिए हम इसे अच्छे से चला कर पिघला लेंगे। ये मैंने 200 ग्राम पीनट लिया है, रोस्टेड पीनट है ये, सॉल्टी वाला। अब इसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम चॉकलेट के साथ। सब पीनट इसमें चॉकलेट के साथ कोट हो जाने चाहिए। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसे हम मैंने ये पहले से ही ग्रीस करके केक टिन को, उस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया था, उसे भी अच्छे से ग्रीस कर लिया था। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, वरना चॉकलेट आसानी से बाहर नहीं आएंगे। ये देखिए मैंने सारा इसमें डाल दिया है, चॉकलेट और पीनट का बैटर। हम इसे अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ, इक्वली इस तरह से फैला लेंगे। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही, सच मानिए, बहुत ही टेस्टी बनती है ये पीनट चिक्की। आपने गुड़ वाली चिक्की तो बहुत खाई होगी, इसे भी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी बनेगी ये। अच्छे से लेवल कर लिया है मैंने। अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं, ये अच्छे से सेट हो जाएगी। 10 मिनट हो गए, ये मैंने चिक्की निकाल ली है बाहर और इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से। हम इसके टुकड़े बनाएंगे, चिक्की जैसे टुकड़े बनाने हैं हमें, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े चिक्की जैसे हम काट लेंगे। इसके लिए हमें तेज धार वाली छुरी चाहिए ताकि आसानी से कट सके। ये देखिए देखकर ही कितने प्यारे लग रहे हैं ये, बस खाने को मन कर रहा है। ये देखिए बहुत ही अच्छी टेस्टी चिक्की बनकर तैयार हुए। बच्चों से बड़ों तक को ये बहुत पसंद आने वाली है। मैंने इसे डार्क चॉकलेट के साथ बनाया है। आप चाहें तो इसे मिल्क चॉकलेट से बना सकते हैं, वाइट चॉकलेट से भी बना सकते हैं। और मैंने इसमें पीनट का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं अपनी पसंद के, अखरोट, बादाम, काजू, पीनट, रेजिन्स, बहुत अच्छी बनती है। फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।